हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की एक अमेजिंग ट्रिक के बारे में, जिससे आप अपने व्हाट्सएप पर अपनी डीपी लगा सकते हो। मतलब कि आप अपनी होम स्क्रीन पर अपनी फोटो को लगा सकते हो। जैसा कि आपने पहले व्हाट्सएप पर देखा होगा, एक वाइट कलर का बैकग्राउंड रहता है, लेकिन अब आप उसको चेंज करके अपनी फोटो या फिर किसी भी सेलिब्रिटी की फोटो उस पर लगा सकते हैं। तो कैसे होता है ये सब मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं, लाइक कर दीजिए देखते देखते। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और उस घंटे को भी दबा दो, ठीक है। दोस्तों, अब मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी होम स्क्रीन पर अपनी फोटो को लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा और बिना स्किप करके देखिएगा, वरना आप लोग कुछ स्टेप मिस कर जाएंगे और आप ये सेटिंग नहीं कर पाएंगे अपने व्हाट्सएप पर। तो आपको सिंपली क्या करना है, व्हाट्सएप पर चले आना है, सेटिंग पर जाना है, चैट्स वाली सेटिंग पर जाना है, उसके बाद चैट बैकअप पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है बैकअप के बटन पे, जिससे आपकी जितनी भी फाइल्स वगैरह शेयरिंग हुई है व्हाट्सएप पर और चैट्स हुई हैं, वो सब कुछ डिलीट नहीं होंगी। अब डिलीट क्यों नहीं होंगी, क्योंकि आपको इस WhatsApp को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपको वाला फीचर अपने WhatsApp पर चाहिए तो। क्योंकि आपको मैं एक लिंक दूंगा, जिस लिंक पे आपको चले जाना है और एक नया WhatsApp डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे अगर आप बैकअप के बटन पे क्लिक कर लेते हैं, तो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं और चैट्स हैं, वो सब कुछ सेफ रहेंगी। तो इसलिए ध्यान रहे, बैकअप करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जैसे ही आप नीचे गए लिंक पे जाओगे, तो आपको ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको ग्रीन बटन पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन बटन, ये डायरेक्ट डाउनलोड है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप इसे डाउनलोड कर लोगे, तो आपके सामने आ जाएगा इस तरीके का व्हाट्सएप, जहाँ पे आपको तीन डॉट दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो फ्रॉड मोड्स का लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन शो होंगे, तो आपको चले जाना है यूनिवर्सल वाले ऑप्शन पे। आपको यहाँ यूनिवर्सल, उसके बाद यहाँ पे आपको कलर्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे आप कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे चले आना है। उसके बाद फोटो का ऑप्शन दिया है, फोटो पे चले आना है। जैसे आप फोटो पे क्लिक करोगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और वहाँ से फिर आप अपनी कोई भी फेवरेट फ़ोटो या फिर अपनी खुद की फ़ोटो चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आप सेट कर सकते हो कितना वॉलपेपर लगे। तो यहाँ पे सेट हो गया है ये। अब हम चले जाते हैं बैक पर, और ये 3 सेकंड लेता है और ये हो जाता है। बैक जा रहे हैं, 3 सेकंड लेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी होम स्क्रीन पूरी चेंज हो चुकी है और हमारी फ़ोटो लग चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को लगा सकते हो होम स्क्रीन पर, और जहाँ पे भी आप फिर अब स्वाइप करोगे स्टेटस पे या फिर कॉल्स पे, तो आप ही का बैकग्राउंड रहेगा। पहले एक वाइट कलर का बैकग्राउंड रहता था, जो व्हाट्सएप का ऑफिशियल था। और भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे पासवर्ड लगाना और वगैरह भी आपको देख सकते हैं इसमें। और ऑनलाइन वाला सिस्टम भी अलग है, आप यहाँ पे ऑनलाइन जो भी होते हैं वहाँ ऊपर नोटिफिकेशन पे शो हो जाता है, आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था दोस्तों आज की सेटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए।